हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों ये है AIIB ई का एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है 17 का, सेट कोड है B और हिंदी मीडियम है, तो इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों आते हैं पेपर में। इसमें 100 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन एक अंक का है। देयर इज नो निगेटिव मार्किंग नहीं, 3 घंटे का है। और जो ABC जो भी D जितने भी क्वेश्चन पेपर होंगे सब सेम होंगे, केवल क्वेश्चन पेपर नीचे ऊपर नीचे होंगे, बाकी सब सेम होंगे। तो इसमें बता दें कैसे क्वेश्चन आए, किस प्रकार के आए हैं। तो सबसे पहले इसमें प्रश्न है, फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा निम्नानुसार प्रकाशित की जाएगी। तो इसका सही, जैसा आप पूरा प्रश्न दे रहे हैं, 4 ऑप्शन दे रहे, तो इसका सही आंसर है D नंबर, इसका ऑप्शन है पहला है, उस ग्राम नगर के जिसमें व्यक्ति समान निवास करता है सहज 10 भाग में पड़ी जाएगी। दूसरा है, उस गृह या निवास स्थान जिसमें व्यक्ति समानता निवास करता है या इस नगर या गांव के सहज 10 भाग में चस्पा की जाएगी। तीसरा है, एक प्रति न्याय सदन के सहज 10 भाग में चस्पा की जाएगी। सहज 10 मतलब आसानी से देखी जा सके। उसका चौथा, यदि न्यायालय उचित समझे तब उस स्थान में प्रचलित समाचार पत्र में भी एक प्रति प्रकाशित की जाने का निर्देश दे सकेगी जहाँ वह व्यक्ति समानता रहता है। तो ये 4 ऑप्शन सही है, तो यानी कि इसका सही आंसर है D, यानी सभी 1, 2, 3, 4 सही हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा आदेश अस्थाई निषेधाज्ञा और वातकालीन निषेधाज्ञा से संबंधित है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, तो इसका सही आंसर है आदेश 39, B ऑप्शन इसका सही है। उसका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अहमदाबाद में एक व्यापारी B दिल्ली में व्यवसाय चला रहा है। तो B जो है दिल्ली में व्यवसाय का चला रहा है। B अहमदाबाद में अपने एजेंट के द्वारा A का सामान खरीदता है और उसे A से वेस्टर्न रोडवेज ट्रांसपोर्ट कंपनी को भेजने के लिए विनती करता है। A तदनुसार अहमदाबाद में माल भेजता है। A B पर माल की कीमत के लिए वाद जारी कर सकता है। तो ये वाद कहाँ जारी कर सकता है, इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर C नंबर, या तो अहमदाबाद में या दिल्ली में, तो यह दोनों में से कर सकता है। इसका चौथा प्रश्न है, सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में कौन सी धारा रेस जुडिकाटा की संकल्पना से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है B, 4 ऑप्शन दिए आपको, तो इसका B आंसर सही, धारा 11। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्री X, श्री Y और श्री Z 10,000 के लिए श्री A द्वारा प्राप्ति अज्ञाप्ति डिग्री के अधीन संयुक्त रूप से एक पृथक रूप से दायी है। श्री Y श्री A के विरुद्ध अकेले 10,000 रुपये की अज्ञप्ति प्राप्त करता है और कोर्ट में निष्पादन के लिए आवेदन करता है जिसमें संयुक्त अज्ञप्ति निष्पादित की जा रही है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प श्री A के लिए सही है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका सही आंसर है श्री A आदेश 21 नियम 18 के अंतर्गत उसकी संयुक्त अज्ञप्ति को प्रति अज्ञाप्ति के रूप में मानेगा। इसका 6ठा क्वेश्चन है, ABC संयुक्त हिंदू परिवार के सह दाय भागी हैं। वह संयुक्त रूप से Y के पक्ष में एक बंधक निष्पादित करते हैं। Y इन सभी के विरुद्ध वाद दायर करता है। C को समन्स दिया जाता है परंतु A और B को नहीं। इनमें से कोई भी हाजिर नहीं रहता और सभी के विरुद्ध एक पक्षी अज्ञप्ति डिग्री पारित की जाती है। A और B एक पक्षी डिग्री को खारिज कराने के लिए आवेदन करते हैं, इनके विरुद्ध डिग्री खारिज की जाएगी। तो इसका सही आंसर है C नंबर, इसमें है A, B और C। इसका 7वां नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई शपथ पत्र पर न्यायालय के समक्ष झूठ बोलता है और इससे अधिवक्ताओं द्वारा कैसे निपटा जा सकता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें सही आंसर शपथ पत्र भंग आवेदन दर्ज किया जा सकता है, शपथ भंग आवेदन दर्ज किया जा सकता है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, प्रतिवादी उस पर समन की तामील की तारीख के फिलिंदा ब्लैंक है दिनों के भीतर अपने बचाव में एक लिखित बयान ऑर्डर 8 पेश करता है। तो इसका सही आंसर है तारीख में, यानी 30 दिनों के भीतर अपने बचाव में एक लिखित आवेदन पेश कर सकता है। तो इसका सही आंसर है B, 30 दिन। इसका 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो पहला है, प्रथम अपील तथ्य के प्रश्न या विधि या दोनों पर की जा सकती है। दूसरा है, द्वितीय अपील केवल विधि के सार्भूत प्रश्न पर की जा सकती है। तीसरा है, द्वितीय अपील तथ्य के प्रश्न या विधि या दोनों पर हो सकती है। चौथा ऑप्शन है,
प्रथम अपील उच्च न्यायालय में हो सकती है या नहीं हो सकती, द्वितीय अपील उच्च न्यायालय में होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है सी नंबर, द्वितीय अपील तथ्य के प्रश्न या विधि या दोनों पर हो सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, आदेश 7 के अनुसार अभिवचन का तात्पर्य क्या है। तो आदेश 7 के अनुसार अभिवचन का तात्पर्य है, चार ऑप्शन दिए, तो इसका सही आंसर है सी, शिकायत और लिखित कथन दोनों। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आदेश पक्षों की मृत्यु विवाह दिवालियापन से संबंधित है। तो चार ऑप्शन है, आदेश 20, आदेश 21, आदेश 22, आदेश 23। तो इसका सही आंसर है सी नंबर, आदेश 22। साज अधिनियम की धारा में रेस जेस्टे यानी सुसंगत तथ्य के सिद्धांत की चर्चा की गई है। सुसंगत तथ्य क्या होता है, जो एक तथ्य दूसरे तथ्य से जुड़े होते हैं। जैसे वह सामान दुकान लेने गया है तो वो घर से निकला है और दुकान लेने गया है, तो दोनों तथ्य एक दूसरे से जुड़े हैं। तो इस प्रकार से तो इसकी कौन सी धारा में, तो ये चार ऑप्शन दिए, धारा 5, धारा 6, धारा 10, धारा 11। तो इसका सही आंसर है धारा 6। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, जब एक व्यक्ति जो वाद का एक पक्षकार है का दायित्व वाद के अजनबी के दायित्व पर आधारित है, तब अजनबी द्वारा उसके दायित्व के सापेक्ष स्वीकृति उस व्यक्ति जो वाद में एक पक्ष है की तरफ से स्वीकृति हो सकती है। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा में संबंधित है। तो इसका सही आंसर है धारा 19 सी नंबर। न्यायिक साक्ष्य से क्या तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर है, चार ऑप्शन दिए आपके, तो इसका सही आंसर है तथ्यों के प्रमाण या अप्रमाण में न्यायालय द्वारा प्राप्त साक्ष्य। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक दस्तावेज नहीं है। तो इनमें से ऐसा कोई नहीं जो सभी, यानी ये सभी दस्तावेज हैं। तो इसका सही आंसर है डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। इसका 16 नंबर है, दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा किस धारा के अंतर्गत दी गई है। तो इसका सही आंसर है बी नंबर, 113 खा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 63 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक साक्ष्य नहीं है। तो ये जो ए बी सी तीनों हैं, ये तीनों द्वितीयक साक्ष्य हैं। तो डी ऑप्शन है, धारा 63 के अंतर्गत प्रमाणित नई हुई प्रतियां। तो ये डी नंबर इसका सही नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान वाद दायर करने संबंधित है। तो इसका सही आंसर है धारा 26 सी नंबर, इसका ऑप्शन सही है। इसके बाद 19 नंबर है क्वेश्चन, अतिरिक्त न्याय स्वीकृति से क्या तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर है सी नंबर, न्यायाधीश के समक्ष की गई संस्वीकृतियां। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, विवाचक प्राधिकरण प्रक्रिया के नियमों के निर्धारण में द्वारा आबद्ध नहीं होगी। क्या है मम्मी, नहीं तो क्या है बता दो, बहुत है। बीस नंबर क्वेश्चन है, विवाचक सलमान बुलाना है, गायकली बुला रही थी सलमान, मम्मी बुला रही। नीचे से कहे ऊपर बुला रही मम्मी। 20 नंबर क्वेश्चन है, विवाचक प्राधिकरण प्रक्रिया के नियमों के निर्धारण में द्वारा आबद्ध नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है दोनों, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 दोनों आबद्ध नहीं होगा। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में निम्नलिखित में कौन सी धारा मध्यस्थता करार से संबंधित है। जिसका सही आंसर है धारा 7। 22 नंबर क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में मध्यस्थता कार्रवाई को समाप्त किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है अंतरिम विवाचन पंचायत में भी, और जहां पर मध्यस्थ प्राधिकरण समाप्ति के लिए आदेश जारी किया हो। तो इसका ए नंबर है, 1 और 3 दोनों मतलब सही है। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन सही है। इसका 23 नंबर में, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 29 के अधीन एक मध्यस्थ से ज़्यादा वाली मध्यस्थ कार्रवाई में मध्यस्थ प्राधिकरण का कोई भी निर्णय। तो इसका सही आंसर है डी नंबर, उसके सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया जाएगा। इसका 24 नंबर है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट वाद लंबित रहते भरण पोषण का प्रावधान
कौन सी धारा में दिया है? तो इसका सही आंसर है धारा 24 में। इसके बाद 25 नंबर का क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1999 धारा 2 के अंतर्गत एक मुस्लिम पत्नी तलाक के लिए वाद दाखिल कर सकती है यदि पति इस अवधि तक पागल हो। तो इसका सही आंसर है बी नंबर, 2 वर्ष। 26 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम महिला के पास दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 से 128 के प्रावधानों द्वारा शासित होने का विकल्प है। मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा से संबंधित है? इसका सही आंसर है धारा 5। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम धारा 11 के अंतर्गत शून्य विवाह का अधिकार नहीं है? इसका सही आंसर है बाल विवाह। 4 ऑप्शन दिए हैं तो सही आंसर डी नंबर है, बाल विवाह। इसके बाद संपीड़न संबंध से तात्पर्य क्या है? तो उसका सही आंसर है बी नंबर, तीसरी पीढ़ी की माता और पांचवी पीढ़ी के पिता। इसके बाद सूचक प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी कब सूचक प्रश्न पूछते हैं? तो सबसे पहले होती है मुख्य परीक्षा, उसके बाद मुख्य परीक्षा के बाद जो मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उसके उसमें आपको सूचक प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसको प्रति परीक्षा कहते हैं, जिसमें सूचक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर है सी नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्नलिखित में किस धारा किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय ईसाई विवाह विच्छेद कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है सी नंबर, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू भरण पोषण तथा दत्तक अधिनियम 1956 की धारा 12 संबंधित है? तो 12 संबंधित जो धारा है बी से, गोद लेने के प्रभाव से। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी के केस जनहित याचिका आईपीएल के रूप में विचारणीय नहीं होंगे? तो इसका सही आंसर है डी नंबर, मकानदार और किराएदार के मामले में। इसके बाद अगला इसका क्वेश्चन है, कौन भारत में जनहित याचिका के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति पीएन भगवती। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जनहित याचिका का यथार्थ उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है ख्याति प्राप्त करना और संपत्ति बनाना, डी नंबर। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य में एक मौलिक अधिकार के रूप में उभर आया है? तो इसका सही आंसर त्वरित न्याय का अधिकार। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी याचिका सार्वजनिक पद को हड़पने के विरुद्ध जारी की जा सकती है? तो इसका सही आंसर है अधिकार प्रच्छा याचिका। इसका अगला क्वेश्चन है, रीड्स बनाम बाल्डविन का केस संबंधित है? तो इसका सही आंसर है प्राकृतिक न्याय से। अगला क्वेश्चन है, ऑडी अल्टरम पैटर्न का अर्थ है व्यक्ति को सुने बिना उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अपनी नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए खाली जगह के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नियम बने हुए? तो इसका सही आंसर अधिवक्ता अधिनियम 1961। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक का अधिकार नहीं है, आधार नहीं है? तो इसका 4 ऑप्शन दिए, मानसिक विकास, संक्रामक रूप से यौन रोग, असाध विकसित। तो इसका डी नंबर है, 3 महीने से कम समय से अलग रहना। तो यही इसका आंसर है, 3 महीने से कम समय में अलग रहना। इसके बाद अगला 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ऐतिहासिक मामले में एडवोकेट को व्यावसायिक कदाचार के लिए दोषी ठहराया गया है क्योंकि उसने जाली कोर्ट आदेश दिया था? तो इसका सही आंसर है प्रताप नारायण बनाम वाईपी राहजा। इसका अगला क्वेश्चन है, यदि कोई एडवोकेट अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत बनाई गई राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति या राज्य के एडवोकेट जनरल के आदेश से व्यथित हो तो आदेश संप्रेषित करने की तिथि खाली जगह दिनों के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपील कर सकता है? तो इसका सही आंसर सी नंबर, 60 दिनों के अंदर अपील कर सकता है। इसका अगला क्वेश्चन है, ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्वयं को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करना चाहती है, ऐसा संगम ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम परिवर्तन करके खाली जगह पारित करके किया जा सकता है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, विशेष प्रस्ताव पारित करके किया जा सकता है। इसका अगला क्वेश्चन है, नैगमिक आवरण के अनावरण और भेदन का सिद्धांत संबंधित है? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, कंपनी विधि से। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT को अपील निहित है? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, धारा 5 है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? तो इसका बी नंबर ऑप्शन, अनुच्छेद 51A
जी। इसके इसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्री ए जो नियंत्रण या निर्णयन ऑफिसर के आदेश से पीड़ित था, उसने साइबर अपीली ट्रिब्यूनल को एक अपील की, बाद में साइबर अपीली ट्रिब्यूनल के आदेश से पीड़ित श्री ए में अपील कर सकते हैं। इसका सही आंसर है केवल उच्च न्यायालय में। अगला क्वेश्चन है, श्री एक्स जो कि श्री वाई एक प्रवर्तक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राप्त करने के लिए आश्रित हैं, आईटी अधिनियम के अंतर्गत जाना जाएगा। तो इसका सही आंसर है प्राप्तकर्ता। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या है। तो इसका सही आंसर है 7, डी नंबर ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नियुक्ता द्वारा प्रमुखता पोस्ट किए गए प्रमाणित स्थायी आदेश को टेक्स्ट और उसके अधिकतर कामकाज समझ सके उस भाषा में होना चाहिए। तो इसका सही आंसर बी नंबर अंग्रेजी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक अधिवक्ता प्रैक्टिस के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित किसी शैक्षणिक संस्थान में विधि का शिक्षण दे सकता है जब तक कि घंटे जिसके दौरान वह विधि के शिक्षण में नियोजित हो एक दिन में घंटों से अधिक ना हो। इसका सही आंसर है 3 घंटे से अधिक नहीं हो सकते। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि फैक्ट्री 1000 से ज़्यादा कामगारों को नियोजित करती है तो उन्हें निर्धारित कर्तव्यों को कार्यान्वित करने के लिए अहर्ता यानी योग्यता प्राप्त नियुक्त करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है स्वच्छा अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि सड़क दुर्घटना होती है तो एक एडवोकेट होने के नाते स्थिति तक पहुँचने का सही तरीका क्या है। तो इसका पहला है, तो पहले तो FIR होगी, फिर याचिका होगी, उसके बाद बीमा कंपनी को समन। तो इसका सही आंसर ए नंबर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जहाँ क्षति है वहाँ उपचार है का सिद्धांत इसमें स्वीकृत हुआ है। तो इसका आंसर है सही है SBA बनाम वाइट, सी नंबर ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस निम्नलिखित में किस सूत्र पर आधारित एक ऐतिहासिक केस है। तो इसका सही आंसर ए नंबर, डेमनम साइन इंजीरिया। इसका अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास माल अथवा सेवाओं के प्रतिफल के रूप में चुकाई गई से अधिक राशि की शिकायत का न्यायाधिकार क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर है 10 करोड़, बी नंबर ऑप्शन सही इसका। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 41 के अंतर्गत जिला आयोग के आदेश से अपील होती है, तो इसका सही आंसर है राज आयोग को होती है। तो ए नंबर इसका सही है। इसका अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति के लिए पिछले किसी भी वर्ष में भारत का निवासी माने जाने की एक शर्त ये है। उसका सही आंसर है ए नंबर, यदि वह पिछले वर्ष के दौरान 182 दिनों या उससे अधिक अवधि से भारत में है। ए नंबर इसका सही है। इसका अगला क्वेश्चन, श्री कपूर ने जनवरी 2021 में एक आवासीय मकान क्रय किया, उन्होंने ये मकान अप्रैल 2022 में 94 लाख में बेच दिया। इस मामले में आवासीय मकान विक्रय से प्राप्त लाख 14 लाख पर निम्नलिखित में किसे शीर्षक के अंतर्गत स्कूल वसूल किया जाएगा। तो इसका सही आंसर पूंजी लाभ से अधिक। इसका अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसे फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अंतर्गत फैक्ट्री के सभी मामलों में सर्वोच्च नियंत्रण प्राप्त कहलाता है। तो इसका सही आंसर ए नंबर, अधिभोगी। इसका अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, वर्तमान में किसी भी नियमित करदाता के लिए प्राथमिक GST स्लैब रखा गया है। तो इसका सही आंसर सी नंबर, 0% है। पहले 5%, 12%, 18%, फिर 28% है। इसका अगला क्वेश्चन, बी जो एक समाचार पत्र का मालिक है पेपर में ए की विनती पर सी पर एक अपमान लेख प्रकाशित करता है और ए प्रकाशन के परिणामों और उसके संबंध में सभी लागतों और नुकसान के विरुद्ध बी को क्षतिपूर्ति के लिए सहमत होता है। सी ने बी पर मुकदमा दायर किया, उसे नुकसान चुकाना है और खर्चा भी उठाना है। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 224 के आलोक में निर्णय दीजिए। तो इसका सही आंसर है ए नंबर, ए बी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसका अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति जिसे एजेंट एजेंसी व्यवसाय में प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने के लिए नामित करता है, नाम के अभिभक्त या निहित प्राधिकार के अंतर्गत कहलाएगा। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही, प्रतिस्थापित एजेंट। हेलो दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, एक खाली जगह जिसे धाग्या सुनवाई के दौरान और वाद की योग्यता पर की गई
हो तभी दिक्री उसे मान कर सकता है और प्रतिवादी शाश्वत रूप से अधिकार के समर्थन से या कार्य की सुकृति से को लागू कर सकता है जो वादी के अधिकार से विपरीत हो सकता है। तो इसका सही आंसर है बी नंबर चिरस्थाई। इसका अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 5 के अंतर्गत विशिष्ट अचल संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति उसे खाली जगह में दिए गए तरीके से प्राप्त कर सकता है। तो इसका सही आंसर बी नंबर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के द्वारा। इसका अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, जहां बंधक कर्ता बंधकित संपत्ति का कब्जा बंधक दार को प्रदान करता है और जब तक बंधक राशि अदा न कर दे तब तक उसे स्वामित्व के लिए और ब्याज के बदले में या बंधक राशि की अदायगी में किराया संपत्ति से अर्जित लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्राधिकृत करता या लेन देन खाली जगह कहलाता है। तो इसका सही आंसर है डी नंबर भोग बंधक। इसका अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, सी मनजोत मैं सिंह ट्रेडर से माल आपूर्ति करने वाला ट्रेडर है, फर्म का ऑफिस दिल्ली में है जबकि गोदाम क्रमशः उत्तर प्रदेश पंजाब और जम्मू और कश्मीर में स्थित है। मैं सिंह ट्रेडर ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों से निम्नलिखित अंतरराज आपूर्तियाँ की हैं, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, नंबर 1 दिल्ली करियोग आपूर्तियाँ, इसके बाद नंबर 2। इस तरीके से का आपका क्वेश्चन अगर आया होगा तो इसका सही आंसर है बी नंबर दिल्ली उत्तर प्रदेश और जम्मू और कश्मीर। तो आपका अगर कोई भी सेट हो तो ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन आपको प्रश्न यही मिलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा घोषणात्मक डिक्रियों के संबंध में सही है। तो इसका सही आंसर है सी नंबर दोनों, उक्त अधिनियम की धारा 34 से संबंधित और ये विवेकाधीन प्रकृति का है। इसका 69 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत परिभाषित पर क्राम लिखित नहीं है। तो इसका सही आंसर है डी नंबर बिलिंग रसीद। इसका अगला क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार निम्नलिखित में किस उद्देश्य के लिए समुचित सरकार भूमि अर्जित कर सकती है। इसका सही आंसर है डी नंबर, यानी 1, 2, 3, 4 इन सभी के लिए आपके किसी भी सेट में होगा तो आपका डी नंबर ए आंसर सही होगा। इसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत विशिष्ट व्यक्ति से तात्पर्य खाली जगह के अलावा कोई भी व्यक्ति। तो इसका सही आंसर है समुचित सरकार, सरकारी कंपनी, समुचित सरकार द्वारा नियुक्ति, ये सभी हैं। तो डी नंबर इसका ऑप्शन सही है। इसका अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 हेतु कौन ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रार हो सकता है। इसका सही आंसर है ए नंबर, पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क का जनरल। इसका अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्लैश से आईपीआर के प्रकार नहीं है। तो इसका सही आंसर डी नंबर, ऐतिहासिक संकेत। इसका अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाद में निर्णित किया गया कि अभ्यास के साथ संविदा सुना है। तो इसका सही आंसर है सी नंबर, मोहरी बीबी बनाम धर्मो दास घोष। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 75 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के संवैधानिक प्रावधान दिए गए। तो उसका सही आंसर है सी नंबर, भाग 3। इसका अगला क्वेश्चन 76 नंबर, निम्नलिखित में से 1985 के कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल विरोध कानून भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो इसका सही आंसर है बी नंबर, 92 संवैधानिक संशोधन। इसका अगला क्वेश्चन 77, निम्नलिखित में से कौन से वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि एक संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 उपधारा 2 के अर्थ के भीतर कानून है और इसलिए यदि वह किसी भी मौलिक अधिकार का भंग करता है तो वह सुन अमान घोषित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है डी नंबर, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज। इसका अगला क्वेश्चन है, भारत में समान नागरिक संहिता बी नंबर इसका आंसर है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। इसका अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल खाली जगह या इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना उससे विभेद किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है ए नंबर, धर्म
मूल वंश, कामा जाति, कामा लिंग, कामा उद्भव, कामा जन्म स्थान, कामा निवास। इसके बाद अगला क्वेश्चन 80 नंबर, जिस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए या अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तो इसका सही आंसर D नंबर 5 होगी। 81 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अनुसार किसी खाली जगह को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं, तो इसका सही आंसर है A नंबर व्यक्ति। इसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कानून नहीं है, तो D नंबर इनमें से सभी कानून है, D नंबर में क्या बोलते हैं, D नंबर इसका ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। इसके 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान की संघ सूची, राज सूची और सोमवती सूची से संबंधित है, इसका सही आंसर A नंबर अनुसूची 7। इसका अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, भारतीय संविधान का शीर्षक निहित है, इसका सही आंसर D नंबर 393 में। और अगर आपका कोई सेट दूसरा भी है तो आप परेशान ना हो, क्योंकि ऊपर नीचे आपके पास सभी मिल जाएंगे। इसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दायित्व की दो आवश्यक शर्तों के नाम दीजिए, दंड दायित्व की दो आवश्यक शर्तों के नाम दीजिए, जो इसका सही आंसर है C नंबर, दोषी मन और अवैधकार। इसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की खाली जगह के बीच में दिया गया, तो इसका सही आंसर धारा 96 से 106 के बीच में। इसके 87 नंबर क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के अंतर्गत सम्मति एक वैध सम्मति नहीं है, तो इसका सही आंसर है ये जो आपके ABC है, तो ये कोई भी वैध सम्मति नहीं दे सकते, यदि क्षति के भय या तथ्य की भ्रांति के अंतर्गत दी गई है तो ये भी नहीं दे सकता है, यदि विकृत चित्त के व्यक्ति द्वारा दी गई है तो वो भी नहीं, C नंबर 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा दी गई, तो इनमें से कोई भी आपको वैध सम्मति नहीं दे सकता, तो D नंबर सही आंसर है। 88 नंबर क्वेश्चन है, खाली जगह पहले है कि अधीन यथा उपबंधी अनुसार माता के गर्भ में कार्य हत्या मानववध नहीं है, तो धारा 299 के स्पष्टीकरण 3 में ये है। इसके बाद इसका B नंबर आंसर सही है। इसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मान हानि के लिए दंड साधारण कारावास जो खाली जगह अवधि तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना दोनों है, इसका सही आंसर है A नंबर 2 वर्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 90, महिला की मर्यादा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किस प्रकार का अपराध है, तो इसका सही आंसर C नंबर संज्ञेय और अजमानती। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 91, ए अग्नि शस्त्रों के साथ एक भवन के बाहर पुरुषों को तैनात करता है और जेट से कहता है कि वह जेट पर फायर करेंगे यदि जेट भवन छोड़ने का प्रयत्न करता है, ए किस लिए दोषी है, तो इसका सही आंसर है A नंबर सदोष प्रतिरोध का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 21A के अंतर्गत तर्क सौदे के प्रावधान प्रयोजन नहीं यदि अपराध खाली जगह से कम आयु के बच्चे के विरुद्ध किया गया, तो इसका सही आंसर है 14 वर्ष। इसका 93 नंबर क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 82 और 83 के अंतर्गत एक अपराध दंडनीय है यदि वह खाली जगह बालक द्वारा किया गया, तो इसका सही आंसर B नंबर 7 वर्ष से ज़्यादा परंतु 12 वर्ष से कम आयु के जिसने पर्याप्त प्रयोक्ता और समझ प्राप्त कर ली है ऐसे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, इसमें है मुकदमे में संक्षिप्त विचारण की शक्ति किसके पास है, तो इसका सही आंसर है जितने भी दिए मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय द्वारा विशेष रूप से सशक्त कोई भी पितर से मजिस्ट्रेट, तो यानी कि सभी, तो इसका सही आंसर है D नंबर। 95 नंबर क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धाराएँ उपस्थिति की बाध्यता की आदिशिकाओं से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है A नंबर धारा 61 से 90। इसके बाद अगला क्वेश्चन 96 नंबर, किस अपराध के लिए एक पुलिस ऑफिसर एक व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, इसका सही आंसर संज्ञेय मामले अपराध जो गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं उनके, इसका B नंबर जो है ऑप्शन वो सही है। इसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन है, परिवाद पर संस्थित अपनी समनी विचारण वाद में जहां अभियुक्त पर समन जारी किया गया वादी की अनुपस्थिति या मृत्यु में इस खाली जगह, तो इसके में सही है अभियुक्त को दोष मुक्ति मिलेगी, B ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है 98,
मान लीजिए कि FIR स्टेशन हाउस ऑफिसर ने पंजीकृत नहीं किए तो परिवार के पास क्या विकल्प है? तो इसका सही आंसर है डी नंबर, या पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर सकते हैं और निजी शिकायत दर्ज करके मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। इसका 99 नंबर क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अंतर्गत अन्वेषण कर रहे किसी पुलिस ऑफिसर को एक पुलिस की उसके आवास के अलावा अन्य कोई स्थान पर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है, जो है? उसका सही आंसर है सी नंबर, 15 वर्ष से कम आयु और 65 वर्ष से अधिक आयु। इसका अगला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 धर्म निरपेक्ष स्वरूप की है या निम्नलिखित में से किस वाद में है? तो इसका सही आंसर है सी नंबर, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको